बेनमाज़ी शख्स जो नमाज नथो पढ़े उन कई हदीसों में वईद मौजूद हैं, कई हदीसों चंद हदीस तहां के सामू रखंदस। इन दुआ से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन असां के पेंजे रब जो खौफ अता फरमाए असां हदीसों बुधूँ उन्हें वईद का रब्बुल आलमीन असां के पनाह में रखे असां सभी के पक्को पंज वक्त नमाज़ी बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस सिलसिला सही आ। इमाम अल्बानी रहिमहुल्लाह 15 जल्दन में किताब लिखो सिलसिला सही आ। सऊदीया जो वड़ो आलिम मुफ्ती हो उन्हें किताब में हदीस आंदई जेका सही हदीस आ। उन्हें हदीस में छा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उमिर बि अब्द मिन इबादिल्लाह अय युज़रब फी कब्र ही मैं अत जल्द दिन कब्र के अंदर एक शख्स के लिए हुक्म दिनो विंदो तो इनके 100 कोड़ा हणो फरिश्तन के हुक्म दिनो विंदो। हदीस जा अल्फाज आन मिंथू कंदो तो मुखे सजा न दियो, मिन्नत समाजत कंदो सदा न दियो, अता के आखिरी कोड़ो वनी बचंदो। वो आखिरी कोड़ो जड़ी मल लगंदो उन्हें का पोए उन्हें जी कबर के फम तला कबर हो मिन नार उन्हें जी कबर के बाह सा भरियो विंदो, कबर के बाह का भरियो विंदो। अल्लाह से महफूज रखे। उन्हें का पोए जड़ी मल अजाब खत्म थिंदो सुमर तफा अनहु हदीस जा अल्फाज आन तो जेडी मल उनका अजाब खत्म थो व अफाक होश में इंदो अलामा जलत तुमूनी सवाल कंदो फरिश्तन का केड़ी गाल जे करे ता मुते कोड़ा वाया है ता मुखे कोड़ा हया है मुखे बुधायो तो जुर्म केड़ो आ मुझो। गौर कजो अग्या अल्फाज इंतहाई अहम पान फरमाया फरिश्ता जवाब दींदा इन्नक सल्लैत सलातन वाहिदतन बगैर तहूर हिकड़ी नमाज तुझी अड़ी हुई जो तो बगैर वजू के पढ़ी हुई इन करो सख्त अजाब तुके मिलो। हिकड़ी नमाज बगैर वजू के तो पढ़ी हुई इन करे तुके सख्त अजाब मिलो। अगते अल्फाज आन बो तो तुझो कसूर यो हो तो डिठो मजलूम उन्हें जुल्म थी रो हो फलम यंसुर हो तो उन मजलूम की मदद न कई इन कर बिन गुनाहन के करे तुके यह सजा मिली। बगैर वजू के नमाज पढ़ने वालों शख्स हिकड़ी नमाज जो जिक्र आ मालूम यो पे उते हदीस में तो नमाजी शख्स हो पर हिकड़ी नमाज उन बगैर वजू के पढ़ी ए मालूम यो पे थे तो उन जानी वाणी हिकड़ी नमाज बगैर वजू के पढ़ी। छो जो गलती है निस्यान जो इस्लाम में सख्ती ना है गलती थी वही निस्यान थी वो भुल चुक थी वही उन्हें जी माफी आ पर जो जानी वाणी को गलत कम तो करे उन्हें जी माफी सच्ची तौबा है। जो दुनिया में नथो करे तो उनके जरूर कब्र में अजाब मिलंदो आखिरत में अजाब मिलंदो। इन हदीस में मालूम थो तो उन जानी वाणी हिकड़ी का नमाज पढ़ी जेका बगैर वजू जे इन जे करे उनके सजा मिली आ। अंदाजो लगायो बेनमाजी हो जेके मुसलमान बेनमाजी आन अंदाज लगाइन जेको बगैर वजू जे नमाज न पढ़े जी कबर के बाहे सा भरियो वने जेको पंज ही वक्त बेनमाजी हो जे पेंजी मर्जी सा नमाजू छडींदो रहे उने सा केड़ो अशर थिंदो छा उने जो मामलो थिंदो केतरे कदर उने जी गिरफ्त थिंदी कबर ही आखरत में। जेको नमाज जो तारिक आ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आ पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मन हाफज़ अलैहा मन हाफद अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहान व निजातन यौमल क़ियामा। जे शख्स पंज वक्त नमाज की हिफाजत कई फरमायूं तो उन नमाज नूर आए रोशनिया बुरहान आ दलील आ निजात आए क़यामत जड़ी कामयाबी की दलील आ तो उन्हें पंज वक्त नमाज यो कामयाब थिंदो। फरमायूं तो जे शख्स नमाज न पढ़ी फलम यकुन लहू नूरन वला बुरहानन
वला निजातन योमल क़ियामा। पाण फरमायो तो उन्हें जिला न नूर होंद न रोशनी होंगी न दलील होंगी न उन्हें जिला निजात आ अगया अल्फाज़ उन जो अंजाम कैसा थी मा हामान व कारून व फिरआउन व उबई इब्न खल्फ चोटी जा काफर सब जेके अड़ा शख्स जेके बागी पेंजे रब से बगावत क्यों उन शख्स से गड उन अंजाम मतलब त उन सजा उन डी वी जे बेनमादी आन उन सजा जो अंदाज़ लगा फिरआउन चोटी जो काफर आ हामान चोटी जो काफर आ वा काफर बागी मुतकबिर जिनके अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के लिए आखिरत ताई कयामत ताई अल्लाह रब्बुल आलमीन निशाने इबरत बनाए छो पा फरमाए उन अंजाम इन गो अंदाजो लगाया बेनमाजी इन में मालूम पे थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतहाई सख्त नाराज तो थे बेनमाजी थे। नबी अलैहिस्सलाम जी हदीस पान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इन्नहु युसलगु रासुहु बिल हजर बड़ा शख्स आन जिन के मथे के चिपाड़ो वो पत्थर से चिबाटो वो पत्थर से उसे ब शख्स कड़ा याखुदुल कुरान फयरफिज़ुहु पैरियो शख्स वो हाफिज़े कुरान जो कुरान याद करे उन्हें याद करण का पोए कुरान के विसारे छो पर मैं उन्हें यह सजा डिनी वी जो उन मथे के पत्थर से चिबाटो वो बार बार इनके सजा मिली बो शख्स यो मन नाम अनसलाती ही जो नमाज का सुम्ही रो नमाज जो वक्त हो निंडियो पे पूरी कई रात जो फजर में न उथो ईशा में पैरी सुम्ही रो असर में भी सुतो रो नमाज न पढ़ें पर मैं उन्हें जी सजा एतरे कदर सख्त सजा है। या वईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस में आ फजर जी नमाज बरकत जो सबब तिजारत में बरकत जो सबब कम में बरकत जो सबब हर कम हर मामले में बरकत जो सबब फजर जी नमाज आए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए मुझी उम्मत जी सुबह जेका है उन्हें में अल्लाह सही बरकत नाजिल करे छी यानी सुबह जो जेको कम थे जेको कारोबार थे उन्हें में बरकत थी जेको शख्स फजर जी नमाज पढ़ी पोए अचे तो कारोबार के लिए कम के लिए उन बरकत ही बरकत आ पर जेको फजर जी नमाज ही नथो पढ़े उनकी कड़ी हैसियत होंगी। जो फजर की नमाज पढ़े ईशा की नमाज पढ़े पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उनके पूरी रात के क़याम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर तो दे पूरी रात ईशा नमाज जमात से पढ़ी वनी सुम्ही रहो आ वितर पढ़ी सुम्ही रहो फजर जो अलार्म रखी उथी करे फजर की नमाज जमात से पढ़ी अस पाण फरमाए उन्हें बिन्हीं नमाज जमात से पढ़ण के करे रब्बुल आलमीन के पूरी रात के क़याम जो अजर दिनों एतरे कदर अहमियत फजीलत बेनमादी शख्स उन्हें जी सजा चाहे तो उन्हें जे मथे के चिबाड़ो वो पत्थर से चिचड़ो वो बार बार यह सजा होंगी अंदाजो लगायो गौर कयो या का मामूली सजा ना है कब्र के बाहे से भरे वने या का मामूली सजा ना है इंतहाई हैरत थी इंतहाई हैरत अज मुसलमान बेनमाजी थी करे भी इत्मीनान सुकून भी महसूस करे का उनके परवाह ना है सुकून से हल पो सुकून इत्मीनान से कारोबार करे पो जिंदगी बसर करे पो उन जिंदगी में वो सुकून वो चैन आ निंड भी उनके पूरी थी अचे नमाजी ना है बेनमाजी आ मुसलमान ही मोमिन जो किरदार यो होजन घुर्जे जैसे नमाज रह वे तो उनकी निंड फिटी वे उनको सुकून फिटी वे उनको आराम फिटी वे। नबी अलैहिस्सलाम जंग के मैदान में जिहाद के मैदान में पान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग थे जिहाद में वापसी से पान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ कई पान फरमाया अल्लाह से इन पेटन के इन कबरुन के जहन्नम की बाह से भरे छे जिन असा के मशगूल रखियो असर की नमाज का असाजी असर नमाज जाया कर वक्त से न पढ़ियो जिहाद के कर पान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतरी तकलीफ थी पान उन बदुआ गई काफर पान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो
जेको शख्स असर जी नमाज के जाया करे छे कअन्नमा वुतिर अहलुहु व मालुहु, गोया के उन जो घर अहलो अयाल ऐं उन जो तमाम माल जेको आ तबाही बर्बाद थी वियो, तबाही बर्बाद थी उन जो माल जेतरी जमा पहुंची हुस, जेकी उन वटि मिल्कियत हुई, माल ऐं खज़ाना हुआ, उन वटि ज़मीन हुयूं, बैंक बैलेंस हो, सभु बर्बादु थी वियो ऐं उन जो अहलो अयाल बि तबाही बर्बाद थी वियो। जेकॾहिं सिर्फ़ु असर नमाज़ जो तारीख़ असर नमाज़ उन घर अची वई, चंद मिंट अकेला वेही करे सोचो, जेकॾहिं कारोबार में नुक़सान थी वञे त पूरो साल निंड न ईंदी आहे, निंड फिटी वेंदी आहे, त हिन साल फ़ाइदो कोन थियो, प्रॉफिट कोन आयो, मुनाफ़ो कोन आयो, पूरो साल परेशान। घर में कंहिं हिकिड़े भाती घर जे अफ़राद खे, कंहिं हिकिड़े फ़र्द खे बीमारी लॻी वञे, सॼो घर परेशान आहे। हिते हदीस जा अल्फाज़ आहिनि त अहलो अयाल ऐं माल तमामु तबाही बर्बादु थी वियो जेकॾहिं असर नमाज़ ज़ाया कयो। नमाज़ जो फ़िक्रु न आहे, माल ऐं अहलो अयाल जो फ़िक्रु आहे। तॾहिं नबी अलैहि सलातु वस्सलाम जी हदीसुनि मां मालूम थिए थो ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरान मजीद में फ़रमाए थो, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, इहे तव्हांजा माल जेके ॾिसण में अचनि पिया ऐं औलाद, इहे फितनू आहिनि। छो फितनू आहिनि? इन करे फितनू आहिनि जो इन्हनि जे करे तव्हां नमाज़ूं बि ज़ाया करे छॾींदो, हलाल ऐं हराम जो फ़र्क़ु बि विसारे छॾींदो, दीन खां दूरि थी वेंदो। इन करे फितनू आहिनि, जेकॾहिं दीन खां दूरि न आहियो, दीन ते आहियो, त पोइ इहे फितनू न आहिनि। इन औलाद जे करे, माल ज़र जे करे इंसानु दीन खां दूरि, नमाज़ खां दूरि। अज़ीज़ साथियो, फ़सल्लि रब्बिक वन्हर, क़ुर्बानी कयो ज़रूरु कयो, पर जेकॾहिं नमाज़ी न आहियो त क़ुर्बानी जो को फ़ाइदो न आहे। केॾी महांगी क़ुर्बानी जो जानवर, केॾो महांगो हुजे, लखनि किरोड़नि में ख़रीद कयल जानवर हुजनि, पर हुनजी का बि हैसियत न आहे। जेकॾहिं बेनमाज़ी क़ुर्बानी थो करे त हुनजी क़ुर्बानी जी का हैसियत कोन्हे। तॾहिं क़ुर्बानी क़बूल पवंदी जॾहिं नमाज़ मुकमल हूंदी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दुआ आहे त रब्बुल आलमीन असांखे पंज वक़्त नमाज़ी बणाए ऐं उन्हनि शख़्सनि जी लिस्ट में शामिलु फ़रमाए। हदीस जे मुताबिक़ जिन खे अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ु कंदो, उहे माफ़ु करण वारा हदीस मूं पढ़ी, उहे शख़्स जिन खे नमाज़ जी परवाह हुजे, पंज वक़्त नमाज़ पढ़ंदा, अल्लाह से उन्हनि खे माफ़ु कंदो। अल्लाह से असांखे बि उन ई लिस्ट में शामिलु करे। वा आख़िर दुआ अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।